भैया और क्या हाल चाल है? ठीक है। मिर्चा कितना लगा रखे हैं? मिर्चा एक बीघा। एक बीघा मिर्चा खेती कब से कर रहे हो भैया? कर रहे हैं 5 साल से। 5 साल से कर रहे हैं। तो ये मिर्चा में क्या दिक्कत है आपको? मिर्चा में दिक्कत है कि फूलक हो और मिर्चा फरक हो। अच्छा, फूलक कम है? हाँ, फूल कम रहा। इमा फूल कम है? हाँ, बहुत कम है, एक आधा फूल दिख रहा है। अच्छा, फूल बहुत कम दिख रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, मैं आज आपका क्या नाम भैया? रामपाल। किस गांव में से हैं आप? बसरेला। ये मैं आज आया हूं बसरेला गांव में, जहां की मिर्चा की खेती बढ़िया अच्छे पैमाने पर होती है। और ये रामपाल भैया के पास में जो है 1 बीघे मिर्चा करीबन लगा हुआ है। और भैया आपका क्या नाम है? पिंटू भैया। जो कि कितना वो लगा रखे हैं मिर्चा? 1.5 से 2 बीघे इनके पास में पक्का वाला लगा हुआ है। तो मैं लखनऊ के बसरेला गांव में हूं, जहां पर मिर्चे की खेती काफ़ी अच्छी ठीक ठाक की जाती है। तो किसान भाइयों, इनकी समस्या जो मिर्चे में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा फ्लावरिंग कम है, यानी फूल बहुत कम है और फल भी बहुत कम आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपकी मिर्चे की खेती करते हैं और आपके मिर्चे में ऐसी कोई समस्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिर्चों में फूल बहुत कम आ रहे हैं जबकि समय हो चुका है, तो आप इसमें सजेंटा कंपनी का, जो कि ईसा बयान के नाम से आती है, जिसमें अमीनो एसिड जो उसका व्यापारिक नाम है वो पाया जाता है, अमीनो एसिड का उपयोग आप 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 लीटर की टंकी है तो आप 100 ml में आप 50 लीटर पानी, 100 ml दवा लेकर आप 50 लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल पर आप एक हफ्ते पर, यानी 7-7 दिन पर 2 बार स्प्रे करें, तो आपके पौधे जो है ग्रोथ अच्छा करेंगे और उसके साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी आ जाएगी। यदि आपके पौधों में फ्लावरिंग आएगी तो फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें जो फल भी बनने लगेंगे। अगर आपको ये दवा नहीं मिल पाती किसी कारणवश आपके नज़दीकी बीज भंडार या कृषि कीटनाशक दुकानों पर, तो आप इसके अलावा आप जिब्रेलिक एसिड, जो कि सुमीटोमो केमिकल्स लिमिटेड की 95% आती है, 1 ग्राम का पैकेट होता है, उसको आप लाकर गर्म पानी में घोल बनाकर 1 ग्राम 50 लीटर पानी में आप घोल सकते हैं और घोल बनाकर आप छिड़काव करें, तो उससे भी आपके पौधों में ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। पत्तियां हरी भरी रहती हैं, पौधों का ग्रोथ अच्छा होने के साथ साथ उसमें फ्लावरिंग भी खूब अच्छी और बढ़िया हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आपको यह भी नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, तो आप नाथ बायोटेक कंपनी का बिंचबिन ला सकते हैं, जो कि ये पौधे की ग्रोथ के लिए, यानी PGR होती है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होती है, और बहुत ही अच्छी होती है। आप इसका जो है 5 ml का पैक बनाकर, आप 5 ml का जो पैक होता है उसको 15 लीटर पानी में आप डाल सकते हैं और आप ये फ्लावरिंग की समस्या से, यानी फूल आने की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।